आर्यन और अनन्या की चैट अब जुगाड़ पर अटक गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सुई इसी शब्द पर रुकी है। दो दिन में अनन्या पांडे से 6 घंटे की पूछताछ के बाद भी जुगाड़ पर ही सवाल दर सवाल हो रहे हैं। एनसीबी को आर्यन के फोन में अनन्या से चैट की डिटेल मिली, जिसमें जुगाड़ पर बातचीत देख एनसीबी का सिग्नल ऑन हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस चैट में आर्यन कहता है कि क्या जुगाड़ हो जाएगा। इसके जवाब में अनन्या कहती है कि मैं अरेंज कर दूंगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने कल फिर अनन्या पांडे को इसी जुगाड़ पर घेरा। एनसीबी ने सीधे सीधे अनन्या से पूछा किस चीज के जुगाड़ की बात हो रही थी, क्या ड्रग्स पर बात हो रही थी। अनन्या ने ड्रग्स की बात को नकार दिया। उसने बताया कि बात सिगरेट की हो रही थी। शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में अनन्या से 4 घंटे पूछताछ चली। सुबह 11 बजे अनन्या को बुलाया गया था, लेकिन दोपहर 2 बजे वो एनसीबी दफ्तर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने देरी पर फटकार भी लगाई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये आपका प्रोडक्शन हाउस नहीं है, सेंट्रल एजेंसी का दफ्तर है, जब बुलाया जाए उसी वक्त आए। अनन्या के साथ एक बार फिर उनके पिता चंकी पांडे साथ आए, लेकिन उन्हें बाहर के कमरे में बिठाया गया। अंदर समीर वानखेड़े ने खुद अनन्या से सवाल किए। अनन्या पांडे को तीसरी बार फिर से बुलाया जा रहा है, व्हाट्सएप चैट्स के वजह से बुलाया जा रहा है या अन्य और कोई भी एविडेंस है? देखिए, जैसे आपसे कहा है मैंने कि इन्वेस्टिगेशन की बातें कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। अब तक अनन्या से कुल 6 घंटे पूछताछ हो चुकी है। गुरुवार को 2 घंटे सवाल जवाब हुए, तो शुक्रवार को 4 घंटे। अब भी चैट में जुगाड़ का कोई ऐसा जवाब एनसीबी को नहीं मिल पाया जिससे वो संतुष्ट हो सके। यही वजह है कि 25 अक्टूबर को अनन्या को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जब अनन्या पांडे दूसरी बार पूछताछ के लिए आई तो सबसे पहले एनसीबी के अधिकारियों ने उनको कहा कि आप इतना लेट नहीं आ सकते, आपको जिस समय बुलाया गया था उसी समय आइए। क्योंकि अनन्या पांडे जब एनसीबी ऑफिस आई तो 11 बजे उनको बुलाया गया था, लेकिन वो 2 के बाद एनसीबी ऑफिस पहुंची। एक बार फिर से अनन्या पांडे से जो व्हाट्सएप चैट्स आर्यन खान के फोन से रिकवर हुए हैं उसको लेकर पूछताछ की गई, लेकिन एनसीबी के अधिकारी अनन्या पांडे के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसी के चलते एक बार फिर से सोमवार को उसे क्वेश्चनिंग के लिए तीसरी बार बुलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन और अनन्या की चैट 2018 से 2019 के बीच 3 अलग अलग मौकों पर हुई। 2 बार आर्यन खान से सीधे बात हुई, 1 बार पार्टी के लिए ड्रग्स पर बात हुई। ड्रग्स सप्लाई को लेकर भी कुछ चैट्स हैं। एक वीडियो भी मिला है जो एक ने दूसरे को भेजा था। आर्यन को ड्रग पेडलर्स के नंबर भी दिए जाने की बात है। आर्यन खान ने नंबर अनन्या से शेयर किए थे। आर्यन ने ही अनन्या को ड्रग्स लाने के लिए कहा था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एक चैट ऐसा भी है जिसमें अनन्या ने आर्यन से कहा कि उन्होंने एक बार ये ट्राई किया है और वो इसे दोबारा जरूर करना चाहेंगी। एनसीबी को शक है कि इसमें गांजे की बात हो रही है। ये बातचीत आर्यन की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई है और ठीक एक दिन पहले एनसीबी अनन्या पर एक बार फिर सवालों की बौछार करेगी ताकि कुछ ऐसा निकल पाए जिसे एनसीबी हाईकोर्ट का रुख कर सके। अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।